नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोई आपसे पूछे कि क्या स्वाद का सियासत से कोई रिश्ता है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी के टेस्ट ने यूपी की सियासत को खट्टा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। इसके बाद तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक स्वादानुसार सियासत शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल का ये टेस्ट यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्वाद बिगाड़ देगा? क्या राहुल के इस बयान से बीजेपी को होगा फायदा? क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के आंध्र वाले आम का असर यूपी के आम आदमी पर पड़ेगा भारी? सवाल कई हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाएं, उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आम के मौसम की विदाई का इस साल भले ही टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन सियासत का टाइम आ गया है। मीडिया ने राहुल से आम के पसंद पर सवाल क्या पूछ लिया, विवादों की गुठली ही निकल आई। अंदाज हल्का फुल्का था। राहुल शुक्रवार को पेगासस मामले में जासूसी विवाद पर सरकार को घेरने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि यूपी के आम उन्हें पसंद नहीं। यानी राहुल गांधी को यूपी का न दशहरी आम पसंद है न लंगड़ा। उन्हें तो आंध्र प्रदेश का तोता परी, बंगन पल्ली यानी सफेदा और नीलम खूब भाता है। राहुल गांधी के टेस्टी टेस्टी आंध्रा वाले आम ने यूपी की सियासत को खट्टा कर दिया। अमेठी का लंबे वक्त तक सांसद रहने वाले राहुल फिलहाल तो केरल के वायनाड से सांसद है, लेकिन उन्हें आंध्रा के आम का स्वाद मजेदार लगता है। इसी बात ने यूपी की सियासत का स्वाद बिगाड़ दिया है। राहुल के इस बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, श्री राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। चर्चा राहुल के स्वाद की हो रही थी, लेकिन उनकी नापसंदगी को गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने नया टर्न दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे थे कि हमको यूपी के आम पसंद नहीं है। इनकी विचारधारा देखो, अमेठी रायबरेली इन्हीं के पास था, इनको यूपी के आम पसंद नहीं। अरे राहुल जी, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल के बयानों ने ऐसे बीज बोए हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केरल चुनाव से पहले कहा था कि पहले 15 साल तक मैं उत्तर प्रदेश से सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं और न केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों को विस्तार से जानने वाले हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं, चर्चा आम आदमी की होगी, वोट भी आम आदमी को ही डालने हैं। ऐसे में राहुल के ताजा बयान के बाद हर कोई स्वादानुसार सियासत कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल के आंध्रा वाले आम का स्वाद यूपी के आम लोगों के गले उतरता है या नहीं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।